नमस्कार, अभी इस वक्त हम लोग हैं मौजूद नोनापुकुर ट्राम डिपो। आपको बता दें, मेरे पीछे ये है नोनापुकुर ट्राम डिपो और यहाँ पे नाका पोस्टिंग चल रही है। पुलिस अपनी सतर्क के हिसाब से यहाँ पे भी हमें दिखाई दिया है कि पुलिस अपनी काम किए जा रही है, पता कर रही है कौन गाड़ी कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, क्या काम है। आप देख सकते हैं पुलिस अपने काम के लिए पूरी लगी हुई है। सर एक टू कथा बोलो सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग चल रहा है, पुलिस अपना चेकिंग कर रही है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो। आप देख सकते हैं कैसे बाइक वाले मान नहीं रहे हैं, पुलिस को चकमा दे करके भाग जा रहे हैं। कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये बिना हेलमेट बिना इसका ये जो रूल्स तोड़ है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कर्फ्यू के टाइम पर ऐसे निकलना बहुत गलत है। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर है वो गाड़ी को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे और भी उनके साथ हैं। सर बोला छिलो এখন অনেক লোকরা মানছে না স্যার, তো তার জন্য কি বলবেন স্যার? এখন অবধি কত গাড়ি আমরা পুলিশ হিসেবে আমাদের কাজ করছি যতটা পারা যায়, আর তার সঙ্গে পাবলিকেরও সচেতন হতে হবে। পাবলিকটাই মেইন, আমাদের কাজ তো আমরা করবো, এবং যারা রাস্তায় ঘুরছে ওদেরও বোঝা উচিত যে যা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলছে তার জন্য ওদেরও সচেতন হওয়া উচিত। স্যার মোটামুটি কটা গাড়ি আপনারা ধরেছেন এখন অবধি? মোটামুটি 50-60টা অলরেডি চেকিং করেছি যারা এমার্জেন্সি পারপাসে। কি স্টেপ নেওয়া হবে? আমাদের যেটা কমপ্লেন আছে অনেকটাই টাইপিসি, আমরা সেটা থানায় কমপ্লেন লজ করি, বাকিটা থানা বুঝবে। থানার মধ্যে ওখানে কেস লজ করি, ওদেরকে কেস করা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনি দেখ সকতে হ্যায় কি এসেই জো ऐसे ही जो लोग हैं वो सबकी गाड़ी चेक हो रही है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, सबकी गाड़ी चेक हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई अछूता नहीं है, सबके साथ चेकिंग चल रही है, पुलिस अपने काम पे है। और ये नोनापुकुर ट्राम डिपो एरिया है, ये नोनापुकुर ट्राम डिपो का क्रॉसिंग है। ये क्रॉसिंग एरिया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इससे पहले हम लोग 7 पॉइंट बौला अली लॉर्डन स्ट्रीट ये सब एरिया मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि रात के वक्त में कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्फ्यू का जो प्रोटोकॉल है उसको नहीं मान रहे हैं। बिला वजह घर से निकलना, विदाउट हेलमेट निकलना, बाइक वाले खासतौर पर इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस बार पुलिस भी अपने चरम पर है, जो पकड़ में आ रहा है उसके ऊपर केस होगी, उसके ऊपर फाइल लॉज होगा, ऐसा पुलिस लोगों का कहना है। अब ये देखा जाएगा कि कितने पर क्या है। आप देख सकते हैं पुलिस अपने जो काम है वो किए जा रही है, गाड़ी का नंबर लिखा जा रहा है, गाड़ी का नंबर लिखने के बाद में कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं ये सब पूछा जा रहा है उन लोगों से। आपका नाम तक जुमदार कथाई अच्छे भाई अच्छे বাড়ি যাচ্ছেন কোথা থেকে এসছেন? এয়ারপোর্ট থেকে এসছেন। তাহলে আপনারা জানেন না কি 10টা পরে তো এমনি ক্যাব ড্রাইভারদেরকেও বারণ করা আছে এখন? আমাদের তো এয়ারপোর্ট পিপ, আমাদের ভেতরে প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে, তো ওখানে পুলিশ লাই বললো ছেড়ে দিয়ে আসছে। মাস্কটা লাগান। आप देख सकते हैं ऐसे ही, चाहे वो कैब ड्राइवर हो या कोई भी हो, सबको मास्क के लिए सचेत करना पड़ रहा है, और ऐसे ही सब कुछ चेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस अपने चरम पे है, पुलिस अपनी काम कर रही है, प्राइवेट व्हीकल हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, सबसे पूछताछ की जा रही है, सबका पता लगाया जा रहा है कि कौन कहां से आ रहा है और कहां को जाएगा। जैसा कि आपको बता दें ये प्राइवेट व्हीकल है। अभी अपना नाम बताइए एक बार। दीपंकर मंडल। हाँ भैया। दीपंकर मंडल कोथा थेके आसछेन आपनारा? আমরা আসছি যাদবপুর থেকে। কোথায় যাচ্ছেন স্যার? মালদা। হ্যাঁ স্যার মালদা যাচ্ছি, যাদবপুর। আমার ছেলে আর মেয়ে এখানে পড়াশোনা করে, আকাশ ইনস্টিটিউটে মেডিকেলের কোচিং করে। হ্যাঁ ওরা এখানেই থাকতো আর কি, এই লকডাউন ঘোষণা হওয়ার ফলে ওদেরকে বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে, তার জন্য বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। ও आप देख सकते हैं कि बताया ये जा रहा है कि इनके जो लड़के हैं और लड़की है ये लोग हॉस्टल में हैं, और इनको घर वापसी लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन का घोषणा कर दिया गया है, और ये प्राइवेट व्हीकल है, रात को उन लोगों को लेकर के घर जाया जा रहा है, ऐसा बताया गया है पुलिस को।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहें, बने रहें हमको न्यूज़ के साथ। नमस्कार, आदाब।